अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। ग्रैंड डायलॉग की बाज़गश्त एक बार फिर सुनाई दे रही है, लेकिन ग्रैंड डायलॉग कैसे मुमकिन होंगे, बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार कितना अहम होगा। एक दूसरे से हाथ मिलाने के मशवरे ज़रूर दिए जा रहे हैं। कल भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से बात की गई थी, उससे पहले ये बात हो चुकी है। खुद आसिफ अली जरदारी साहब भी कह चुके हैं मुल्क के वसी तर मफाद में सब जमातों को इकट्ठे होकर आगे बढ़ना होगा। बाहर अगर देखें तो इसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों के ऊपर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सियासी, माशी और आइनी बहरान है, और इस बहरान का हल भी मुश्तरका काविशों की मरहूने मिन्नत ही हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोशिशें कौन करेगा और कैसे ये सारी कोशिशें रंग लाएंगी। सियासतदानों की अगर हम बात करें जिन्होंने ये बेड़ा उठाना है, वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज का पार्लियामेंट का इजलास भी अगर हम देखें तो उसमें बड़े गिले शिकवे भी हुए, नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए, माफियां तलाफियां भी हुई। ये वो सारे अमल हैं जो इस चीज़ को बावर करा रहे कि सियासतदान अभी भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। इतनी ख़राब सूरत हाल के अंदर माशी तौर पर आपको बहुत मुश्किलात का सामना है, आइनी बहरान का शिकार हैं, और ना सिर्फ आइनी बहरान साथ ही साथ सियासी तौर पे भी हम शिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए हमें बेहतर सियासी माहौल बनाना होगा ताकि माशी तौर पे इस्तेकाम भी आ सके। प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा बातों नहीं अमल का वक्त है आ गया है, और कर्जों से छुटकारे के लिए खून पसीना बहाना होगा। बहुत अच्छी बात है, और यही वो एक टैग लाइन हो सकती है पाकिस्तान के लिए, जिसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठकर बात करें और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं। जो इससे पहले भी इसके ऊपर बातचीत होती रही, तो अल्लाह करे कि बात बातों से आगे निकले और प्रैक्टिकली इसके ऊपर अमल दरामद भी हो। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब भी कह रहे हैं कि ओवरसीज सरमायाकारों को बेहतरीन मौके फराहम कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके। माजी की नस्बत हमने देखा दोस्त ममालिक भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कर्जे नहीं दे रहे, जो कि खुशाइन बात है, लेकिन इसको मज़ीद कैसे साजगार बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। जॉइन किया है हमें मोहतरमा किरण इमरान डार साहबान, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। किरण, खुशाबदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू जी। किस तरह देखती हैं? मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम ग्रैंड डायलॉग की बात कर लें। बातचीत तो हो रही है, एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश भी की जा रही है, ऑफ द रिकॉर्ड भी होता है कि ठीक है हमें डायलॉग करने चाहिए, सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए बात करनी चाहिए। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो आज पार्लियामेंट का हाल आपने देखा, अब समझती हैं कि कोई रास्ता निकल सकता है, वे फॉरवर्ड निकल सकता है ताकि हम तमाम सियासी जमातें मिल बैठें, और जो आज प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे थे कि अब सिर्फ बातों से नहीं प्रैक्टिकली हमें साबित करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया, और दीन का खातून आज जो असम्बली में हुआ वो उसकी जिसकी आई थिंक तो अगर मैं ये कहूँ कि मजम्मत लफ्ज भी छोटा है, कम है, मुझे इससे बड़ा लफ्ज नहीं मिल रहा। खातून मैं समझती हूँ खातून खातून है, किसी पार्टी से है, वो घर की खातून है, ये बाहर काम, बिल्कुल एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल तो ठीक है, शुक्र कि उन्होंने, सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने माफी भी मांग ली। मैं स्लिप ऑफ टंग तो इसको नहीं कहूंगी, लेकिन चले एक अच्छा जस्टर, और आपने देखा के खातून की बात थी किसी भी पार्टी से हो, और आपने देखा कि असेंबली में मौजूद तमाम जो बाकी पार्टी थी वो एक पेज पर थी इनके लिए। सो चलें, सबसे अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने माफी मांगी, तो ये यहीं पर खत्म हो गया, और मेरे ख्याल से एक मैसेज चला गया कि आइंदा मतलब ईवान इन चीजों के लिए नहीं है। मैं समझती हूँ बाहर भी हमारी सोसाइटी भी इसकी मुतहमल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप शिद्दत पैदा कर देते हैं कुछ चीजों में तो फिर उसकी झलकियां जो है वो ईवान में भी नजर आई, जो आज आज हुआ। फिर भी मैं उसकी बहुत जितने अल्फाज में मतलब मैं उन अल्फाजों को शायद बयान भी ना कर सकूं, मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ जो भी उनके साथ, वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, वो किसी के साथ भी नहीं। जो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मैसेज गया है कि दोबारा ऐसी कोई हरकत ना हो, और खुदा ना खासा ऐसी कोई हरकत हुई तो फिर उसका उसका जो है ना सदबाव वो तरीके से किया जाएगा। पहली बात तो ये, जहाँ आपने कहा डायलॉग की बात, डेफिनेटली देखें
आप एक दूसरे को चोर कह दें, जो भी कुछ कह दें, जितने जितने बड़े बड़े इल्जाम आप लगा दें, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे सबको टेबल पे बैठना पड़ेगा, सबको एक दूसरे से ग्रैंड डायलॉग करना पड़ेगा। आपको भी याद है जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की शिवाज साहब ने, जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और जब अभी आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, अभी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उनका जो जो उनका पहला खुतबा था, खिताब था, खिताब था, किसने सुना किसने नहीं सुना, किसने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, आपने देखा था तब भी तवज्जो नहीं दी थी जब वो हुकूमत में थे, और जब अब हम हुकूमत में आए तो तब भी नहीं आए। मेरे ख्याल से उन्हें शायद समझ आ रही है कि जब तक डायलॉग्स नहीं होंगे, हम कहते तो हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन जमूर के लिए हम काम नहीं कर रहे। और मेरे ख्याल से अपोजिशन, अब अपोजिशन को ये बात समझनी चाहिए कि ये गुलदस्ता है, असेंबली में बैठे हुए तमाम लोग जो है, आइदर दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट और अपोजिशन, ये गुलदस्ता है, ये जब तक गुलदस्ता इकट्ठा नहीं बैठेगा, ये मैं हम ये नहीं कह रहे हैं, कभी भी अपोजिशन जो है वो तमाम मामलात के ऊपर हुकूमत को, इसमें कोई शक नहीं किरण इमरान डार साहब, अपोजिशन तो हुकूमत से काम लेती है, काम करवाती है, चूंकि वो टफ टाइम देंगे, इश्यूज हाईलाइट करेंगे, आपकी कारकर्दगी को चैलेंज करेंगे, तो ही चीजें आगे। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक, लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं कि डायलॉग, देखें असेंबली का इजलास का चलना, मेरे ख्याल से डायलॉग के बाद की जो बात है, अबल तो डायलॉग जो है असेंबली का इजलास ही आप देख लें। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट भी होता है, जी जी किरण मेरा पॉइंट भी यही था कि मारता है, और उसके बाद वो इजलास ऐसे, मैं आप यकीन करें कि मैं 3 दिनों से मैंने तकरीर, अब तो रट गई है मेरी तकरीर, कि मैं कागज के सामने ना रखूं, मैं तकरीर कर लूं, आप यकीन करें वो तकरीर, वो कल एक इशू हो गया, आज ये इशू हो गया, पता नहीं अब कल मुझे टाइम मिलता या नहीं मिलता। तो जो बात आप, मैं कह रही हूँ कि जब तक प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी, जब तक देखिए आप बात कर रहे हैं तो अगले की भी सुने, हम भी तो आपकी बात सुन रहे होते हैं ना, ये क्या तरीकेकार है। देखिए जब हम सदर, जब खिताब, जब हम अपोजिशन होते थे और सदर खिताब कर रहा था, तो हम 5, 10, 15, 20 मिनट का हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते थे, या तो हम बायकॉट कर देते थे, या फिर हम वहीं पे बैठ जाते थे कि हमने अपने रिकॉर्ड करा दिए। ये तो कहते हैं कि जी जब तक स्पीच खत्म नहीं होगी, जब तक क्या कहते हैं इजलास खत्म नहीं होगा, तब तक हम शोर मचाएंगे और हंगामा आ रहे करेंगे। तो पहले पहले तो ये अपने आप को इस तरह से करें, हम तो डायलॉग के लिए मौजूद हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि डायलॉग करें, पर ये थोड़ी सी जमहूरियत में आए, कोई जमहूरी स्टाइल में, जमहूरी स्टाइल तो यही है ना कि आप टेबल पे बैठ के बात करें, ऐसा ही है। लेकिन मसला ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जब हम देखते हैं तो इतना शोर शराबा होता है, कोई बातचीत नहीं हो रही, पार्लियामेंट से बाहर ऑफ द रिकॉर्ड या टीवी टॉक शोज़ में जब हम देखते हैं, यही सियासतदान सारे कहते हैं कि जी जी बिल्कुल बात होनी चाहिए। राइट फोरम होता है, आपके पास इदारा पार्लियामेंट है, आप वोट लेके गए हैं, चाहे अपोजिशन के लोग हों, कमती बेंचेस के लोग हों, संजीदगी नज़र नहीं आ रही, बदकिस्मती से शिदत पसंदी ज़्यादा हो गई है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल भी हमारे यहाँ यही सब कुछ हो रहा है, तो इसका इसका भी तो खात्मा करना होगा। क्यों हम एक दूसरे को बिल्कुल सुनना ही पसंद नहीं करते? ठीक है रिकॉर्ड एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन उसके बाद अगले की गुफ्तगू भी तो सुने। ये सवाल आप जो मुझसे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सवाल तो आपको पीटीआई के लोगों से करना चाहिए कि जब तक वो किरण पीटीआई वाले कह रहे थे जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, पहली तकरीर उनको नहीं करने दी, वो तो आज भी बेचारे, एक तकरीर हो गई खुदा का वास्ते, तो इन्होंने जब शिवाज साहब ने तकरीर की तो इन्होंने कौन सा उनकी तकरीर सुन ली, तो बस बराबर हो गया, उनका तो बहुत पुराना शिकवा है। ये तो छोटे बच्चों ने बात है ना, वो खिलौना मांग रहे, चांद मांग रहे, अब हम हर दफा ये करेंगे, ये तो बात गलत है ना, ये तो बात, वो भी जो जिन्होंने इनको वोट दिया है वो भी बेचारे देख रहे होंगे कि असेंबली में ये करने जा रहे हैं। आप चले, हमने आपकी तकरीर नहीं सुनी, मान लिया हमने प्राइम मिनिस्टर जब बने थे इमरान खान साहब, उनकी जिंदगी की पहली स्पीच थी बींग अ प्राइम मिनिस्टर, वो आखिरी भी, उसमें आपने रंग में भंग डाली, वो आज तक उनके दिलों पे लगी हुई है तीर की तरह। मैं कितना छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जी, उसको जो बात चुप गई होती है ना, मेरे ख्याल से मैं इनको छोटे बच्चे कह सकती हूँ, मतलब मैं इनको कोई रास्ता नहीं दिखा रही कि ये बाहर निकल जाए, हाँ जी हम तो इन्होंने छोटा बच्चा कह दिया तो हम बच गए हैं, पर ये तरीका कर रही है। देखिए हमने नहीं कर, हमने उनकी नहीं सुनी, मान लिया, देखिए यू कांट चेंज द हिस्ट्री, ठीक है, अब आपने भी नहीं सुनने दी, बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़े, मूव ऑन हो जाए, प्लस माइनस माइनस खत्म, सॉरी प्लस माइनस होते वो खत्म हो जाते ना, ठीक है, -7 +7 इज मतलब कॉस किया तो 0 आ गया, तो बात खत्म, मूव ऑन।
ठीक है, मूव ऑन होना है, ये चाहिए तो लेकिन नहीं हो बचपन रहा। है। दूसरा, अवाम को कोई रिलीफ, अभी चूंकि माली साल भी आ रहा है, बजट पेश करना आपने जून में, IMF का बड़ा प्रेशर था और है, इनफैक्ट चीज़ें अभी महंगी भी करनी है, टैक्सेस भी बढ़ने नज़र आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं आज, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम रिलीफ दे सकें अवाम को, कोई उम्मीद है चीज़ें बेहतर होंगी? बिल्कुल, मैं उस मीटिंग में थी जहां प्राइम मिनिस्टर शिवाज साहब ने ये बात कही जी और उन्होंने स्पष्टली ये बात कही कि मैं तनख्वाह दार तबके के ऊपर बजट नहीं डालूंगा, मेरी मेरी हद तक वो साथ कोशिश नहीं। उन्होंने कहा जी मैं किसी भी हालत में किसी भी सूरत में जो तनख्वाह दार तबका है उसके ऊपर मैं टैक्सेस का बोझ नहीं डालूंगा। और जहां आपने रिलीफ की बात की, आपने देखा कल 15 रुपए कुछ पैसे जो है पेट्रोल भी नीचे आया, और मैं आप ही के टीवी के तफासिर से देखी थी कि लोगों के चेहरे पे रिलीफ है। आपने गंदम का भी देखा, आपने आटे का भी देखा, आपने ऑयल की प्राइस को भी देखा ग्रेजुअली। देखिए फिर कहूंगी जादू का चराग तो किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से रिलीफ की तरफ हम जा रहे हैं। नो डाउट कि IMF का एक वफद भी आया है और एक प्रेशर भी है, लेकिन हम उस प्रेशर को बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। प्रमुख साहब की सख्त इंस्ट्रक्शन है कि हम डेफिनेटली उनके साथ, हमें मजबूरी है कि हमें IMF के साथ मुजाकरात करने, लेकिन इस मुजाकरात का असर जो है वो जो तबका है जो तनख्वाह का तबका है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। आज कैटेगोरी के लिए उन्होंने आज मीटिंग में भी कहा, और उन्होंने जो उनके साथ गुजरे बैठे हुए थे उनको भी उन्होंने दोबारा ये बावर कराया कि मैं इसके ऊपर स्ट्रिक हूँ। तो स्ट्रिक टू इट के जितने भी ये जो तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब तबका है, जो सफेद पोस्ट तक है, उसके ऊपर मैं इसका बोझ नहीं डालना चाहूंगा। ठीक है, दूसरा एक अच्छी चीज़ जो आखिरी सवाल है मेरा, माजी में हम कर्जे लेते थे, इस दफ़ा आप थोड़ा सा मोड चेंज किया और इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट अभी आएगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी। डार साहब आज कह रहे थे कि वो उनको भी हम वाक़े फरहम कर रहे हैं, ये कितना अच्छा साइन होगा और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होगी हमारे यूथ के लिए भी, चूँकि इन्वेस्टमेंट आएगी तो ज़्यादा रोज़गार के मौके भी मिलेंगे हमारी नौजवान नस्ल को। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वही बात अभी यही आपने कहा कि रिलीफ, इट्स अ पार्ट ऑफ रिलीफ। देखिए पहले हम जाया करते थे सिर्फ इसकी बात, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही बात करे थे जी, पहले हम उनसे पैसे मांगने जाते थे। और आपने शिवाज साहब की वो बात याद होगी, आपकी बैगर कैनोट भी चोजर, और कल भी कोई असेंबली में ऑपोजिशन के रुकन थे, उन्होंने ये बात की, तो इट्स ट्रू। और आज भी शिवाज साहब ने जब हम मीटिंग ली हुई थी तो उन्होंने उस पर बात की कि हम भी उनसे अब बैगर्स नहीं है, हम उनसे मांगते नहीं है, हम उनको कहते हैं इन्वेस्ट करें। तो डेफिनेटली हर मुल्क जो है वो, और थैंक गॉड कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इससे इससे रिलीफ भी मिलेगा, इसे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और डेफिनेटली पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जो है ये एक अच्छे साइन है। लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना छोड़ दिया था, कंपनीज यहाँ से चली गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से एक दोबारा एक एक अच्छा जस्टिस आ रहा है कि लोग बाहर के ममालिक इवन के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और डेफिनेटली इससे आपको भी अंदाजा है कि जॉब्स भी होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, हमारी महंगाई में भी कमी आएगी, एक 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 अच्छी अच्छा साजगार माहौल भी बनेगा। डेफिनेटली बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और इसमें कोई शक नहीं माहौल मोमेंटम गेन होगा और पॉलिटिकल प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें संजीदगी का मुजाहरा करते हुए माशी प्लान के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें तो पाकिस्तान के आवाम को भी रिलीफ मिल सकता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।